हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू दे अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो हम ले के आए हैं ट्रिपल बैटल, और ट्रिपल बैटल में भाई आपको दिखा दें, एक है 200 4V और ये है 160 4V, और जस्ट एकदम साइड में खड़ी है होंडा की हॉर्नेट 2.0। भाई उसका हम लोग इससे और इससे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 200 4V का डिमांड बहुत अच्छा होता है चैनल पे। 200 4V का जो टॉप एंड है 150 से चली जाती है, स्लीव स्टिंग करके अपने दम पे 140 तक ही जाती है, 140-142 तक रहती है, और ये है 130-132 तक रहती है अपने दम पे, वो 127-128 तक अपना आराम से चली जाती है। तो अब तीनों का ट्रिपल बैटल करेंगे और खींचेंगे लंबा टॉप एंड, और देखेंगे कौन सी बाइक फास्ट से कौन सी बाइक विन करती है। एक्चुअली थोड़ा सा भाई इसका टॉप एंड उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनिशियल बहुत अच्छा देती है। 180 cc की गाड़ी है, एक साथ 184 cc की है सर ये, वो 200 cc है और वो 160 है, सबसे कमज़ोर गाड़ी वही है। और देखना है कि कौन सी बाइक फास्ट है कौन सी विन होती है, तो एक्सेलरेशन में देखना रहेगा कि क्या हॉर्नेट तो दोनों खराब आती है या फिर हॉर्नेट इनिशियल से ही हार जाती है। तो हॉर्नेट हम चलाएँगे और अमरजीत भाई चला रहे हैं अपनी अपाची 200, उनका थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है, हमारा घर का वेट सेम है, तो देखना है कि इनिशियल किस गाड़ी का अच्छा है, और टॉप एंड में तो पता चल ही जाएगा भाई जब किसी ने लंबा से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है रेस का। अभी आगे जा रहा हूं, 132 पर हूं मैं, और अपाचे 200 भी सबसे आगे है, सेकंड पर आपके हॉर्नेट और 160 बगल में है गाइस। एक सौ 129 में गंदा लिमिटर मार रहा है यार ये, हाँ समझे में नहीं आया, ये 137 के ऊपर गई नहीं, ये 3 ओन के पहले निकला, वैसे ही बिन ब्लास्ट है, और ये
तो गाइज फर्स्ट अटैम्प्ट का रिजल्ट हॉर्ना होंडा हॉर्नेट, थोड़ा सा भाई हम सेकंड मिली सेकेंड पहले निकल गए थे क्योंकि उधर से गौरव हॉर्न आ रहे थे तो पता नहीं चल रहा था, फिर भी एक्सेलरेशन में ये निकली थी लेकिन आराम से भाई 204 भी है तो उसका टॉपअप ज़्यादा है, ऑटोमेटिक वो आगे निकल जाए क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा था मेरे से, लेकिन ये ऑटोमेटिक 200 लेके आ गए वापस अपने उसमें भाई टॉप एंड में, और उसके पीछे पीछे लगी हुई थी अपाची, तो अपाची को भी फायदा मिलता है 130-132 अपाची भी चली थी क्योंकि इसका टॉप एंड ज़्यादा है, इसमें लिमिटर नहीं है और अगर इसमें लिमिटर नहीं होता तो इसको कोई नहीं पकड़ पाता, इसमें सिर्फ लिमिटर है इस वजह से होंडा के हॉर्नेट पकड़ा जाती है, बाकी बाइक से N160 भी शायद इसको हरा ही देती है भाई, चैनल पर वीडियो है N160 भी, क्योंकि अपने एक्सेलरेशन तक तो ये तेज़ है लेकिन ये 120-125 के बाद बाइक ख़राब हो जाती है क्योंकि 125 तक ये बहुत तेज़ चलती है क्योंकि इसका जो CC 184 के आसपास है और ये अच्छा खासा परफॉर्म भी करती है एक्सेलरेशन में। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बी सेफ एंड राइड सेफ, राइडर एक्सचेंज करेंगे, तो टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बी सेफ एंड राइड सेफ।